प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दूसरे से संपर्क कर आवाजाही करनी होगी सुनिश्चित। गृह मंत्रालय ने की देश भर में कोविड 19 की ताजा स्थिति की समीक्षा, कहा 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से करना होगा पालन, 4 मई से लागू होंगे नए दिशा निर्देश जिससे कई जिलों को मिलेगी राहत। कोविड 19 की वजह से हुए लॉकडाउन का कृषि क्षेत्र पर नहीं होगा कोई असर, देश में ग्रीष्मकालीन बुआई में इस साल 38% की वृद्धि, अच्छे मॉनसून के साथ कृषि क्षेत्र में 3% की दर से वृद्धि का अनुमान। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले दोगुने होने की दर 11.3 दिन, वैश्विक स्तर पर मृत्यु दर 7% है जबकि भारत में ये दर 3%। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 22,982, अब तक 1,008 लोगों की मौत, 7,796 मरीज हो चुके हैं ठीक। केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों कर्मचारियों सरकार के आउटसोर्स्ड स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड करने को कहा। दुनिया भर में कोरोना से करीब 31,90,000 लोग संक्रमित, मरने वालों का आंकड़ा 2,27,000 के पार। अमेरिका में 60,800 से ज्यादा की मौत, लेकिन वहां रेमडेसिविर दवा से जागी नई उम्मीद, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में स्पेन, इटली और फ्रांस भी शामिल। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कोरोना वायरस की महामारी के बीच ओलंपिक खेल आयोजित करना नामुमकिन। मध्य प्रदेश को कोरोना संक्रमण मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, ऐसे में कई स्तरों पर विचार विमर्श के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मैदानी अनुभवों के आधार पर I²T² मॉडल यानी IITT रणनीति का संचालन किया। IITT ये हमारी कार्य योजना है, हमारी रणनीति है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद उनको अलग करना, उनको सील कर देना, आइसोलेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद वहां टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद लक्षण पाए जाए तो फिर ट्रीटमेंट। सुखद परिणामों के साथ वायरस के खिलाफ इस निर्णायक युद्ध में ये एक प्रभावी रणनीति साबित हो रही है। IITT रणनीति जिसमें आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के 4 स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में कम समय में प्रभावी नियंत्रण संभव हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन जिसमें ऐसे संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए जहां लोग बाहर से आए हैं, जो संक्रमितों के संपर्क में आए हैं और जो लोग सांस और अन्य संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। आइसोलेशन यानी क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया के रूप में पहचान कर आइसोलेट किया जा रहा है और आवश्यक सामग्री की पूर्ति शासकीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है। टेस्टिंग जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में आइसोलेट किए गए सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है, और ट्रीटमेंट जिसमें लक्षण के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हर संक्रमित मरीज को ठीक करने और संक्रमण की संभावना को खत्म करने के उद्देश्य से जांच के आधार पर जिन लोगों को कम लक्षण हैं उन्हें कोविड समर्पित स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है, जिन्हें ज्यादा लक्षण हैं उन्हें कोविड समर्पित चिकित्सालयों में रखा जा रहा है। इस रणनीति में संक्रमित क्षेत्रों में न कोई अंदर जा सकता है और न ही उन क्षेत्रों से कोई बाहर आ सकता है। IITT की इस प्रभावी रणनीति में रैपिड रिस्पांस टीम, मोबाइल हेल्थ टीम, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नगर निकाय का मैदानी अमला पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। आइए मेरे साथ आप भी लड़िए कोरोना से जंग, हम ये जंग जीतेंगे। कम समय में नियंत्रण के सफल परिणामों के साथ
सरकार की ये अनुभवी पहल मध्य प्रदेश में प्रभावी और प्रबल असर ला रही है। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह करते, हर छोटी बड़ी खबर से नजर इसके बाद लोग वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शौर को उजागर। मध्य प्रदेश को कोरोना संक्रमण मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। ऐसे में कई स्तरों पर विचार विमर्श के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मैदानी अनुभवों के आधार पर आई स्क्वायर टी स्क्वायर मॉडल यानी IITT रणनीति का संचालन किया। IITT हमारी कार्य योजना है, हमारी रणनीति है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद उनको अलग करना, उनको सील कर देना, आइसोलेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद वहां टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद लक्षण पाए जाए तो फिर ट्रीटमेंट। सुखद परिणामों के साथ वायरस के खिलाफ इस निर्णायक युद्ध में ये एक प्रभावी रणनीति साबित हो रही है। IITT रणनीति जिसमें आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के चार स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में कम समय में प्रभावी नियंत्रण संभव हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन जिसमें ऐसे संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए जहां लोग बाहर से आए हैं, जो संक्रमितों के संपर्क में आए हैं और जो लोग सांस और अन्य संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। आइसोलेशन यानी क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया के रूप में पहचान कर आइसोलेट किया जा रहा है और आवश्यक सामग्री की पूर्ति शासकीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है। टेस्टिंग जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में आइसोलेट किए गए सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है, और ट्रीटमेंट जिसमें लक्षण के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हर संक्रमित मरीज को ठीक करने और संक्रमण की संभावना को खत्म करने के उद्देश्य से जांच के आधार पर जिन लोगों को कम लक्षण हैं, उन्हें कोविड समर्पित स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। जिन्हें ज्यादा लक्षण हैं, उन्हें कोविड समर्पित चिकित्सालयों में रखा जा रहा है। इस रणनीति में संक्रमित क्षेत्रों में न कोई अंदर जा सकता है और न ही उन क्षेत्रों से कोई बाहर आ सकता है। IITT की इस प्रभावी रणनीति में रैपिड रिस्पांस टीम, मोबाइल हेल्थ टीम, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, नगर निकाय का मैदानी अमला पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। आइए मेरे साथ आप भी लड़िए कोरोना से जंग, हम ये जंग जीतेंगे। कम समय में नियंत्रण के सफल परिणामों के साथ सरकार की ये अनुभवी पहल मध्य प्रदेश में प्रभावी और प्रबल असर ला रही है। सही रास्ता।
नहीं जो अनदेखी अनसुन हो। खबर वो जो हकार पर मजबूर, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह करते हैं। छोटी बड़ी खबर समझ जाए, जो मनुष्य बड़े बोल हो, खबर हो जो शौर को उजागर।